अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ आटे से डोसा, जिसके लिए मैं 2 प्याला आटा ले ली हूँ। जो घर में रोटी नॉर्मली बनता है वही आटा है। ये 1/2 प्याला चावल का आटा है, इसी प्याला से मैं 2 प्याला आटा ली हूँ। अगर आपके पास चावल का आटा हो तो ले, नहीं तो इसके जगह आप बेसन ले सकते हैं। नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून है, इसमें 1/2 स्पून हल्दी, 1/2 स्पून लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर ले। देखिए मैं अच्छे से इसे मिक्स कर ली, बिल्कुल इसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए। अब इसे मैं 5 मिनट के लिए ढक के रेस्ट पे रख दूंगी। अब इसका बेटर बनाएंगे। अब डोसे के लिए मैं स्टफिंग बनाऊंगी, इसको ढक के आप रख दें। देखिए मैं एक कढ़ाई ले ली, 20 स्पून से मैं 2 स्पून मैं ऑयल ले ली हूँ। अब इसमें 1/2 टीस्पून राई, ये मेरे पास स्टोर किया हुआ कड़ी पत्ता, आपके पास अगर ताज़ा तो हो तो वो ले। एक मैं सूखा मिर्च जिसे मैं तोड़ के ले ली हूँ, इसमें ऐड कर दें। थोड़ा सोटे कर लें, इसमें ये प्याज डाल दें। अब इसमें ये 3 हरी मिर्च जिसे मैं कट कर ली हूँ, इसी प्याज में डाल दें। प्याज में ही 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून धनिया, नमक टेस्ट अकॉर्डिंग। अब इसे अच्छे से भून लें। मैं इसमें 1/2 टीस्पून लहसुन अदरक ऐड कर रही हूँ, इसे अच्छे से भून लें। लो फ्लेम पे ही, इसमें पानी नहीं डालें, लो फ्लेम पे ही इसे भून लेंगे। देखिए मसाला भून गया। अब ये मैं 3 मीडियम साइज के आलू जिसे मैं बॉईल करके मेस कर ली हूँ, इसमें ऐड कर दूंगी। आप अपने घर के हिसाब से जितना आपके यहाँ उतना आप आलू ले सकते हैं। मैं 3 आलू ली हूँ। मेरे पास थोड़ा ये पनीर था, वो भी मैं ले ली हूँ मेस करके। आपके पास हो तो ले, नहीं तो पनीर को स्किप कर सकते हैं। मेरे पास भी थोड़ा ही था। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लें। नमक आप चेक कर लीजिएगा अपने टेस्ट अकॉर्डिंग। इसे अच्छे से भून गया। अब मैं इसे चूल्हे से निकाल लूंगी। देखिए अब मैं एक ये डोसा वाला तवा रख ली, इस पर थोड़ा मैं ऑयल डाल के इसे अच्छे से इसके ऊपर फैला लूंगी। टिश्यू पेपर से आप कोई भी कॉटन कपड़ा लेके इसे अच्छे से ऊपर फैला लें। जो मैं बैटर तैयार की थी तो लेके इसे अच्छे से फैला लें। ऐसे ही इसे फैला लें। देखिए अच्छे से फैला ली। अब मैं ना थोड़ा थोड़ा किनारे में ऑयल डाल के इसे अच्छे से इसे ऐसे कर लेंगे चारों तरफ ही ये। अब ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाए फिर मैं इसे दिखाती हूँ क्या करना है। देखिए ये अच्छे से, ये देखिए ये अच्छे से हो गया। अब मैं इसके ऊपर जो इसका मसाला बनाई थी
इसे अच्छे से इसके ऊपर फैला लें। देखिए मैं एक तरफ ही इसे अच्छे से लगा दी हूँ। अब इसे ऐसे फोल्ड करके इसे चटनी के साथ आप इसे खाएं, बहुत टेस्टी है। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये आप चावल या उड़द दाल से ये नहीं बनाए हैं। बहुत टेस्टी, बिल्कुल डोसा जैसा ही ये लगता है। ये आटे का डोसा बहुत टेस्टी लगता है। आप सेम मेथड से जरूर ट्राई करके देखिएगा। अब चलिए मैं बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए ऐसे ही मैं सारा डोसा बना लूंगी। अगर आप इसमें बेकिंग सोडा नहीं डालना चाहते हैं तो आप उसके जगह इनो एक पैकेट आप डाल के इसे बना सकते हैं। ये आटे का डोसा बहुत जल्दी और बहुत टेस्टी बनके ये तैयार होता है। इसमें कोई चीज़ ज़्यादा नहीं लगेगा और सुबह में तो जल्दी ही कुछ बनाना होता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए फाइनल लुक, बहुत टेस्टी और ये क्रिस्पी भी हुआ है।